अस्सलाम, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर वेल। तो इट्स अ व्लॉग जिसके अंदर हम म्यूज़ियम गए हैं। पहली दफ़ा मैंने लाहौर का म्यूज़ियम देखा, हालांकि मैं लाहौर में रहती। सो सबसे पहले ये सारा कुछ लाहौर की एंट्रेंस है म्यूज़ियम, ये म्यूज़ियम है। म्यूज़ियम के साथ इन्होंने कहा पहले जाकर टिकट्स लेकर आएँ, और टिकट्स के थ्रू ही वो स्टॉल था। हमने खैर टिकट्स परचेज की और हम म्यूज़ियम के अंदर एंटर होने जा रहे हैं। म्यूज़ियम में उस बिल्कुल आखिरी टाइम पे हम लोग पहुँचे थे और 15-20 मिनट रह गए थे। हम एंटर हुए म्यूज़ियम के अंदर और हमने डिफरेंट थिंग्स देखना स्टार्ट कर दिए। तो इतना प्यारा था सब कुछ, यूनिक यूनिक। सबसे पहले हमने सिख और मुग़ल जो चीज़ें हैं वहाँ पे हम लोग गए और हमने वो देखी, और आहिस्ता आहिस्ता करके एक करके हर चीज़ हमने देखी। तो ये पुरानी पुरानी चीज़ें हैं, ये मटके हैं और डिफरेंट लकड़ी से बनी हुई चीज़ें, ये सीपियों से बनी हुई अशियाँ हैं जो समंदरों में अक्सर मिलती थी और इनको मिली हुई थी। ये जो फ्रॉम वॉजेज़, और ये टूटे हुए कुछ कुछ टुकड़े, और ये उन्होंने असल में उनकी पिक्चर्स लगाई हुई हैं। फिर हम गए द सिख चीज़ें, सिखों की चीज़ें देखने के लिए, और वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी माशाल्लाह। उनके पास क्या क्या था और कितना खूबसूरत लग रहा था ये सब कुछ, ये उनके तख्त, उनकी तलवारें, कपड़े उनके, इवन ये सब कुछ कपड़े वगैरह दिए हुए, शेरवानियाँ, दुपट्टे और बहुत सी दूसरी चीज़ें, ये उनकी कुर्सियाँ, मूड़े वगैरह, उनकी ये हाथ से बनी हुई पिक्चर्स थी जो कि इन्होंने पेंट की हुई थी, और इन्होंने खूबसूरत सा महल टाइप एक चीज़ बनाई थी, और यहाँ पे एक मोर वाला, क्योंकि ये जो है मोर के पंखों से बना हुआ था और मोर तख्त था। ये सब कुछ सिखों की चीज़ें थी। ये बहुत बड़ा था, मैं सब कुछ कवर नहीं कर पा रही थी क्योंकि टाइम नहीं था इतना। फिर हम अगली जगह गए, हमने जाते जाते देख लिया कि कायदे आज़म के भी इन्होंने हिस्ट्री पूरी लिखी हुई है, और उन्होंने पूरा पाकिस्तान की हिस्ट्री लिखी हुई है, और फिर डिफरेंट। फिर हम बाहर आए, यहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स हैं, सारी पिक्चर्स देखी हमने, और ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। फिर हम गैंद्रोमा गैलरी चले गए और वहाँ जाने नहीं दिया इन्होंने, तो एक टेंपल टाइप बना हुआ है तो वो देखा। पीछे वाला दरवाज़ा देखे बंद है, तो क्योंकि टाइम बिल्कुल ओवर हो गया था तो ये अंदर नहीं जाने दे रहे थे। फिर हम चलो जी अंदर, फ़िलहाल हम गए ये इजिप्ट की और दूसरी चीज़ें हैं, ये मम्मीज़ और वगैरह, और फिर हम ये अंग्रेज़ों वाली जगह पर गए। उन्होंने बड़ी प्यारी सीढ़ियाँ बनाई हुई थी इन्होंने, अंग्रेज़ जो अपनी लड़ाइयों में इस्तेमाल करते थे चीज़ें, ये वो हैं, और बड़ी प्यारी ये इन्होंने बहुत सारे स्टैचूज़ बनाए हुए थे। क्वीन विक्टोरिया का स्टैचू है जिसके आगे मैंने पिक्चर्स भी ली थी, और इस तरह ही सारा इन्होंने हर चीज़ की हुई थी। ये जॉर्ज फाइव का स्टैचू है, ये उनकी मतलब जो सिपाही वगैरह पहनते थे, ये ड्रेसेस चेन्स के बने हुए इतने हैवी, ये सब कुछ है, ये मैप्स हैं। फिर हमने कहा चलो जाते जाते थोड़े सी ट्रेडिशनल चीज़ें भी देख लेते हैं। ये ट्रेडिशनल एरिया बना हुआ था यहाँ पे, यहाँ पे ट्रेडिशनल ज्वेलरी थी, परांदे थे, बहुत सारी हाथ से बनी हुई चीज़ें थी, और इतनी खूबसूरत। देखें आप कितना प्यारा ये दुपट्टा है, और ये कोई शर्ट के आई थिंक पीसेस हैं। फिर हम बाहर के यहाँ पे आ गए, यहाँ पे हमने सवात की डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ की स्पेशलिटीज़ चीज़ें देखी। पहले सवात था, और फिर यहाँ पे नॉर्दर्न एरियाज़ थी, फिर खैबर पख्तूनख्वान की ये चीज़ें, सॉरी ड्रेसेस, और जो उनके कल्चर रिप्रेजेंट करती है, बलूचिस्तान की हैं ये, डीजी खान की हैं ये, सामने भी ये पूरा डीजी खान का कल्चर है, और देखें कितना खूबसूरत है। ये सिंध का है, ये चोलिस्तान के, चोलिस्तान में वैसे वो कैप होती, यहाँ पे थी नहीं, पता नहीं क्यों। खैर ये पंजाब का है। फिर हम गांधरा वैली गैलरी के अंदर, इन्होंने अंदर जाने नहीं देते, बस मैंने जल्दी जल्दी से
थोड़ी थोड़ी इनसे रिक्वेस्ट करके कि पूरा नहीं जाऊंगी और बस हल्की हल्की सी वीडियोस ताकि आप लोगों को दिखा सकूं कि असल में ये कैसा है। ये भी इन्होंने भी ऐसी मतलब पत्थरों की चीज़ें और डिफरेंट ये बुत टाइप मतलब जो यूज़ होते थे, ये आई थिंक सिखों की चीज़ें या पता नहीं नेपालियंस की हैं, तो ये उनकी चीज़ें, तो वो जो जिस तरह के बुत या जिस तरह की चीज़ें बनाते थे तो ये उन्होंने कलेक्ट करके रखी हुई यहाँ पे। खैर देखा, फिर हम पेंटिंग गैलरी चले गए और मैंने कहा चलो थोड़ी पेंटिंग्स भी, क्योंकि मुझे ख़ुद भी शौक है पेंटिंग्स का, तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं कि पेंटिंग्स कैसी होती हैं। तो ये सारी पूरी दीवारों पे ये आगे डिफरेंट डिफरेंट ये सारी पेंटिंग्स लगी हुई हैं जो वुमेंस ने भी अक्सर बनाई है और मेंस ने भी बनाई है। तो बस देखते गए देखते गए और इस तरह बहुत सारी चीज़ें मिली। ये सामने जो एरिया है यहाँ पे पहले जाना नहीं था, लेकिन फिर एकदम जब मैं आई तो मैंने कहा चले जाते हैं, तो देखा कि ये तो सबसे इम्पोर्टेंट एरिया था, क्योंकि यहाँ पे कुरान पाक और पुराने पुराने कुरान पाक मतलब जिस तरह लोग पहले लिखते थे वैसे वैसे कुरान पाक थे, अहदीस की बुक्स थी और इस तरह बहुत सारी चीज़ें थी जो इन्होंने ख़ुद लिखी हुई थी लोगों ने। तो इन्होंने ये पेन वगैरह हर चीज़ इस तरह की कलेक्ट करी हुई थी इन्होंने, बहुत प्यारा था। और मैं रिग्रेट करती अगर मैं यहाँ ना जाती, शुक्र है मैं चली गई, इतना खूबसूरत था ये सब कुछ। असल में पिक्चर्स में तो इतना नहीं होता, लेकिन असल में देखने में ये बहुत खूबसूरत है। फिर भी आपको आइडिया तो हो ही रहा होगा कि कितना प्यारा है ये सारी हिस्ट्री वगैरह। फिर हम बाहर निकले और ये दोबारा गैलरी है, ये पिक्चर गैलरी से ही गए, लेकिन बाहर निकल कर मैंने कहा चलो जो ये दरमियान में चीज़ें इधर उधर गैलरीज हैं, फिर हमने कहा चलो इस्लामिक गैलरी में, लेकिन ये गार्ड्स अंदर जाने ही नहीं देते, इसने मुझे रोका भी। तो फिर बस जल्दी जल्दी देखा कि इस्लामिक लोग किस तरह की चीज़ें पहनते थे या बनाते थे, तो बस फिर बाहर आए। अब लोग कह रहे हैं जाए जाइए, सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह सब लोग कह रहे हैं कि चलो। फिर भी फाइनली हमने जाते जाते ये कुछ गोल्ड की चीज़ें देख ली, गोल्ड के बटन्स और डिफरेंट थिंग्स। फिर हमने कहा चलो इतनी बेइज्जती के बाद हम चले जाते, क्योंकि टाइम ख़त्म हो गया था। लाहौर म्यूज़ियम है और इसी के साथ मेरा ब्लॉग एंड होता है, क्योंकि सब कुछ कवर कर दिया। होप सो आपने आपको पसंद आया हो, ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।